अपने लिए तो सभी इंसान सोचते हैं, लेकिन कुदरत पर निर्भर करने वाले प्राणियों के लिए कोई कुछ करे तो इससे बड़ा परमार्थ क्या हो सकता है। ऐसा ही कुछ ग्राम पंचायत कुटेहला के गांव काथला के कुछ युवाओं ने किया है। गांव काथला के कुछ युवाओं ने कोरोना के चलते घर में बैठे रहने की बजाय प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने गाँव के पास जंगली जानवरों पशु पक्षियों के लिए जंगल में बनाए गए तालाबों के कार्य को अंजाम दिया। गांव के युवक अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि गांव के युवक पहले भी ऐसे सामाजिक कार्यों में सहयोग करते आ रहे हैं। गौरतलब है कि पतझड़ के इस मौसम में पेड़ पौधों की पत्तियां झड़कर इन तालाबों में गिर जाती हैं, जिससे कि बारिश होती है। इन पत्तियों की वजह से इन तालाबों के पानी से बदबू उठने लगती है। पानी वन्य प्राणियों के पीने काबिल नहीं रहता। इन तालाबों का गंदा पानी पीने से जंगली जानवर पशु पक्षी बीमार भी हो जाते हैं। एक ही आह्वान पर सभी युवा एकत्र हो गए और इन तालाबों की साफ सफाई कर डाली। अशोक कुमार ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया कि सामाजिक कार्यों में सहयोग अवश्य करें, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन करें। बिना वजह से सड़कों पर ना घूमें, घर पर रहें, बाहर ना निकलें। हो सके तो जरूरी है कि घर से बाहर निकलने के समय मास्क अवश्य पहने, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आप सभी को पता है कि कोरोना काल शुरू है और उसमें हिमाचल सरकार द्वारा लॉकडाउन भी लगाया गया है। आज उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम सभी काथला गांव के जितने भी युवा हैं, उन सभी ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना गांव में जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनको पूरा किया जाए। आज उसी मुहिम के तहत हम सब ने गांव काथला में जो भी जंगली जानवरों के पानी पीने के स्रोत है उनको ठीक किया, और ये कार्य आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन है, क्योंकि घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। और आप सभी से मैं भी यही निवेदन करूंगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।